के बटालियन के जो डिप्टी कमांडर साहब हैं समयाल साहब, थोड़ा इनसे विनती करो, खासकर जो बोलते हैं मारने कोई नहीं अपने जो खासकर जो कि ये बहुत अच्छा लगता है कि आप जो शहीद हुए हैं उनको आज के दिन याद कर रहे हैं और इतने लोग सभी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं बॉर्डर के यूथ विंग जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमें भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बुलाया और इस कार्यक्रम को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो इसी तरफ है, मैं डेली निकलता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ हम देखते हैं। और हमें ये भी था कि किसी न किसी दिन हम यहाँ पे आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमें अपने जो शहीद हैं उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए, जिससे हमारा हौसला दुगना हो जाता है। जब आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो हमारा जो हौसला है वो बहुत बढ़ता है और हम अपने जो काम है उसमें और कुशलता ला सकते हैं और बहादुरी से और अच्छे से कर सकते हैं। मैं सभी को कहूंगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखे जाकर तो हमने भी ये डिमांड रखी हुई है, तो कैप्टन साहब ने भी ये बोला है, हम दोबारा इसको जाकर अपने सरकार से दोबारा ये डिमांड देंगे, क्योंकि बहुत अब तो पूरे अपने देश के साथ मेरा हुआ बहुत ज्यादा जुड़ी, हम भी डिमांड कर रखेंगे। तो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पुलवामा शहीद अमर रहे, पुलवामा शहीद अमर रहे, पुलवामा शहीद अमर रहे, पुलवामा शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लो लो लो, पुलवामा शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, पुलवामा के शहीद अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे, कारगिल शहीद अमर रहे। हमने ये गांधी सुमो रखा हुआ है, ये हमने उन शहीदों को याद रखने का प्रोग्राम रखा है, उनको भी जो हमारे जो नौजवान जो बॉर्डर पे याद रखते हैं, हम उनके साथ हैं और हर दम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे जो युवा हैं इन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को बढ़ाया, तो मैं इनका धन्यवाद करूंगा। मेरे सीनियर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने ये पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को संदेश देना है कि शहीदों को कभी भूलना नहीं चाहिए। शहीद जो हैं हमारी रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए हैं इस धरती माता को, तो हमने कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए। मैं नौजवानों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बैल्ट प्रोसेस में हिस्सा लेंगे ताकि हम अपने हिंदुस्तान की रक्षा कर सकें। कि जो हमारे वीर जवान हैं, मैं सबसे पहले तो उन्हें सशस्त्र नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ उनको। और जो पुलवामा में जो हमला हुआ था आज के दिन, हम सब लोग अपने घरों में बैठे थे, कुछ लोग वैलेंटाइन डे बना रहे थे, लेकिन मैं उनको दिल से सशस्त्र नमन करती हूँ और मैं तहे दिल से अपने बॉर्डर के धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी